यशोमती मैया के नंदलाला। मिलाए अपने आराध्य के अवतार से प्रभु। तो माखन कहाँ है? अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साहित था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला। अद्भुत है मेरे प्रभु और अद्भुत है उनकी मैया। वैसे एक तरह से वो मेरी भी मैया है, योग माया की मैया। उनके हाथ से बना हुआ इतना सा माखन भी मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री, उतनी ही भावुक, उतनी ही शक्तिशाली। तभी तो जो समस्त संसार के रक्षक हैं, वो उनकी रक्षा करती है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। यदि वो गोकुल में ही है तो लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई, वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। इतर आओ। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। इनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है। वो है ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। महाराज कंस को सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर का सादर प्रणाम। ये पता लगाने के लिए कि विष्णु का अवतार सच में गोकुल में है या नहीं, मैं इन्हें गोकुल भेज रहा हूं। महाराज कंस, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मित्र सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर को यहां देखकर आपकी रानियों को प्रसन्नता नहीं हुई। ये करेंगे आपके शत्रु का सामना? वृद्ध, दुर्बल, जो ठीक से खड़े हो पाने में भी सक्षम नहीं। सक्षमता चाल में होनी चाहिए या बुद्धि में? अपने पति के मित्र का अपमान अपने ही पति के समक्ष, इसका अर्थ यह है कि आप अपने पति के निर्णय का सम्मान नहीं करती हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि आप अपने पति का ही सम्मान नहीं करती। वैसे मैं
इनके विषय में चिंतित नहीं हूं महाराज। मेरी शंका तो उनके विषय में है। उनमें कुछ तो विचित्र है, रहस्यमयी है। आपकी दूसरी रानी सूक्ष्म बुद्धि ये मत भूलिए, ये आपकी महारानियां हैं। कैसे भूल सकता हूं महाराज, वैसे इसमें इनका कोई दोष है भी नहीं। दोष तो है इस बुझे हुए दीप दंड का। इसके बुझे होने के कारण ही यहां चारों ओर अंधकार है, और इसी अंधकार के कारण इन्हें मेरा सत्य ठीक से दिखाई नहीं दिया। अन्यथा श्रीधर के गुण को अवश्य पहचान लेती है ना महारानी। राजसी भोज की मधुर सुगंध। आपके लिए विशेष पकवान बनवाया है श्रीधर। तो चले महाराज, पहले भोजन फिर वचन। देख रहे हो लल्ला, रोहिणी जीजी ने कैसी कला सिखाई है मुझे। देख रहे हैं? मेरे लिए कुछ बना रही हो क्या? जो मन में है बोलते हो। लल्ला क्या सोचेगा? ये आपके लिए ना है, मेरे नीलमणि के लिए है। हाँ हाँ लल्ला। अब लल्ला सदैव मेरे साथ रहेगा। जो देखो अब मैं घर के कार्य भी कर पाऊंगी और इसकी उपेक्षा भी ना होगी, है ना लल्ला? अद्भुत मैया, ये हुई ना बात। सूक्ष्म बुद्धि को भोजन अति प्रिय है। आनंद आ गया प्रभु, अब आदेश करें आप। तुम्हें गोकुल जाना है सूक्ष्म बुद्धि। वहां जाके ये पता लगाना है कि नंद के घर में जो बालक है वो सच में विष्णु का ही अवतार है या नहीं। पता क्या लगाना प्रभु, उसके प्राण ही ले लूं। यशोदा, यशोदा बस करो, लल्ला को चक्कर आ जाएंगे। हाँ जी बात तो है। बेकार ही टोक दिया पिताजी, मैया कितनी प्रसन्न थी। यशोदा ये झूला ठीक तो रहेगा ना लल्ला के लिए, सदैव निकट रहने के कारण कहीं लल्ला तुम्हारा आदि ना हो जाए। हाँ तो अच्छा ही तो है, कहीं आपको जलन तो ना हो रही कि लल्ला मेरे अधिक निकट आ जाएगा। ना मुझे जलन ना हो रही, पर क्या? यशोदा मन बना चुकी है, अब झूला झूला के ही मानेगी। बताओ। ओहो,
फिर से झगड़ा, कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या, लल्ला को नींद आ रही है। हाँ तो देख क्या रहे हो, सहायता करो इसे सुलाने में। हाँ लाओ। तूने हमारा जीवन बदल दिया है लल्ला। बस अब प्रतिदिन ऐसे ही बीते तेरे साथ, हंसते मुस्कुराते आनंद से। पर कल तो वो अति बुद्धिमान आने वाला है बाबा। हमें आने दो, नंदलाल के दर्शन ही तो करने आए भाई। स्टैंड दो भाई, हम लोग यहाँ नंदलाल के केवल दर्शन ही तो करने आए हैं, क्यों भाई हो? दर्शन करने भीतर जाने दो, अरे जाने दो हमें। मूर्ख कहीं के, मुझे रोकने चले थे। अरे मेरी बुद्धि से तो लोमड़ी भी शिक्षा लेती है, तभी तो मुझे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। आइए बुद्धिराज, आनंद से करूंगा आपका स्वागत। ये रहा घर, अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो, मार क्यों रोक रहे हो, हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो, अरे जानते भी हो कौन है हम? ना नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है? हैं? और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे, बुक्का है ना, आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जाए? नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो, खोलो इसे। है? तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, श्रीधर महाराज है हम। कौन महाराज, कहां महाराज, चलो भागो उधर। अच्छा कौन महाराज, कहाँ के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारूगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा तुम जानती हो ना? ना किंतु लग तो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं, मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो जाओ चलो। अरे किंतु, अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा, हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे, और हाँ ये अखंड पूजा का प्रसाद भी दे रहा था। कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। नहीं, यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए, शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान, हम आते आप। महाराज तो आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का
अरे हमने कछु नहीं करो। आपको जाना, अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। सुधा मर गए। जो आज्ञा तुम गोकुल वासियों को भी ना दी थी वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें? मर गया, इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए, भीतर आने दो ना। सुधा कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना, अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या है तो फिर कभी आ जाएगा। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप, भीतर आ जाइए। जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्र का करें। जाओ जाओ जाओ, आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। बोला चाचा सबसे कड़वी औषधि दिलवाना इन्हें। तू प्रभु, जैसे बैद जी ने औषधि दे देते हैं, आप इनके लिए बैलगाड़ी मंगवा लीजिए। लगता है एक बार फिर से अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महाराज। मुझे तो कोई चोट ना दिखाई दे रही है। अरे भीतर की चोट है, बाहर से कैसे दिखेगी? पर कोई चिन्ह तो होना चाहिए ना। चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा? अरे तुम्हारी विद्या पूर्ण भी हुई है या अभी शिक्षा दीक्षा चल ही रही है? भीतर की चोट का चिन्ह भीतर होगा या बाहर होगा? मुझे देखो, मैं पीड़ा से कराह रहा हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तब तो जब तक पीड़ा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती नित्य जांच करनी पड़ेगी। हाँ यही तो चाहिए था वैद्य जी, रुकने का बहाना। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक रामबाण औषधि है जो चुटकी बजाते ही सारी पीड़ा दूर कर देगी। ये लीजिए, दोपहर को भोजन के बाद इन्हें दे देना। राम राम। राम राम। राम राम। वो बालक कहाँ है जिसके बारे में महाराज कंस ने बताया था? मैं पास ही के अतिथि गृह में इनके रहने को प्रबंध करके आता हूँ। अरे श्रीमान सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना, पास के अतिथि गृह तक कैसे जाएंगे हम? दया करके मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आए अरे बोझ की कोई बात ही ना है महाराज। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे मायके से हूँ, इसलिए मुझ पर किसी तरह की विशेष कृपा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही मेरा दर्द कुछ कम होगा, जैसे बन पड़ेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ना बाबा, कहीं जाने की आवश्यकता ना है, आप तो यही विश्राम करो, मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हूँ, औषधि के साथ सुपाच्य होगी। खिचड़ी नहीं यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र के प्राण चाहिए मुझे। यशोदा, जब तक तुम खिचड़ी बना रही हो लल्ला को मैं संभाल लेता हूँ। ला। पर तुम्हें काम करने में समस्या ना होगी? अरे इसी कारण तो बनाओ ना जी झूला। क्षमा करना बाबा, अगली बार आऊंगा आपके पास। और ढोंगी महाराज आप तो प्रतीक्षा ही करो अभी। इनके बालक तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा है।
किंतु ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर हार मानने वालों में से नहीं है। इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा। अतिथि आए हैं घर पे, उनके लिए खिचड़ी बना रही है तेरी मैया। मैया, देखो ढोंगी बाबा। क्या क्या हुआ? तुझे भी खानी है खिचड़ी? है ना? ना दे सकती लल्ला। तेरा अन्नप्राशन ना हुआ है अभी, है ना? अब तो इन्हें सीख देनी ही पड़ेगी। अवश्य मूसक में कुछ गिराओ है। अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला। कल सवेरे सवेरे सबसे पहले बंसी भोला से झाड़ू पोछा लगवाऊंगी। तेरे आसपास एक भी मूसक ना भटकना चाहिए। हाँ नहीं तो अरे मैया, इस भूषक के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। खिचड़ी तो पक गई लल्ला। महाराज को खिलाए? पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है मैया। बाबा, बोला बंसी। अरे जे महाराज कहाँ गए? उन्हें बाहर जाते तो ना देखो भाभी, कहीं कहीं होंगे। तो देखो, महाराज, 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 बोला, तुम भीतर देख लो, हम बाहर देख लेते हैं। महाराज, 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 भाभी, क्या हुआ? जी क्या होगा? जी बाबा यहाँ क्या कर रहे थे? लगता है भाभी मूर्छित हो गए हैं। अरे अरे जल छिड़को, बंसी, जल लाओ। बाबा, छिड़को, पानी छिड़को। महाराज, ओ महाराज, आगे खोलो। गहरी चोट लगी है, इतने से जल से नहीं उठेंगे ये। अरे अच्छे से जल छिड़को। हाँ। उठ गए महाराज। बाबा, आप ठीक हो? बाबा जी क्या होगा? गाल कभी लगो क्या? किसने मारा मुझे? इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो जाओ ठीक से।